अगर आपका कॉन्वोकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आप यहाँ फोटो ना खिंचाओ तो वो अधूरी मानी जाती है। हो गया, फाइनली पप्पू पास हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें पता है, आज स्टेज पे कुछ देखना चाहोगे आप लोग? इसको मैंने सोते हुए उठा दिया है कि हमें छोड़ के आ। शिट, कीजिए विभूषण। नहीं नहीं, अच्छा पहनना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनना, क्योंकि एक ही दिन मिलता है, ठीक है? ये वन टाइम मूवमेंट है। द इंडियन इन यूके, सब्सक्राइब करना, बाय। मेरा भी देखा नहीं है उसको, मिरर का आया। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। एक चीज मिस कर दी मैंने। क्या? मेरा ने पहन रखी है ड्रेस पूरी, तो आधे से ज्यादा लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि तू वहाँ बैठना, यहाँ कहाँ बैठा है, मतलब यहाँ गलत बैठा है तू। तो एज अ स्टूडेंट तो देख लिया वहाँ पे बैठ के कैसा लगता है, अब एज अ गेस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के कैसा लगता है, तो पूरी सेरेमनी देखेंगे। ये देखो कोई भूत आ गया है यहाँ पे। हम नहीं जा रहे, बस हो गया, अब बहुत पढ़ाई नहीं हो रही, अब छोड़ना है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, ठीक है? आज है मेरा कॉन्वोकेशन डे एंड आज फाइनली मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा। एंड आप लोगों को सही बताऊं तो कोइंसिडेंटली आज ही के दिन मैं 2 साल पहले 8 सितंबर 2021 को यूके में लैंड हुआ था, और आज ही 8 सितंबर 2023 को मेरा फाइनल डे है यूनिवर्सिटी का। आज ऑफिशियली मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। सही बताओ तो बहुत मिक्स फीलिंग है, बहुत नर्वस भी हूँ एंड बहुत एक्साइटेड भी हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बड़ी, मतलब मेरी अचीवमेंट है, ठीक है, एक यूके में आके अपनी डिग्री लेना यहाँ पे। एंड नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि स्टेज पे जाऊँगा, यू नो, कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो एक पूरी मिक्स फीलिंग है। बट आई नो एक ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, सो मैंने सोचा इसको ब्लॉग किया जाए एंड आप लोगों को सबको दिखाया जाए कि कैसा होता है यहाँ का कॉन्वोकेशन। और अभी जस्ट उठा हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी जस्ट सनराइज हो रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो अभी बस मैं नहा धो के मेरे को जल्दी तैयार होना है, क्योंकि मेरा सुबह 10 बजे का है और मुझे 9 बजे तक पहुँचना है वहाँ पे। सो मैं तैयार होके आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस कुछ ये पहना है मैंने, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। और साथ में हमारे हैं 2 मोहतरमाएं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो इसका भी कॉन्वोकेशन है, अवीन और ऋतुजा साथ में है। ऋतुजा आज हमारा ऑडियंस है हमारी। तो मैंने इंडियन वेयर पहना है, तो मुझे बताना कि मैं कैसे करूँ। अच्छा, इसका भी पूरा फुल लुक ले लो, साड़ी पहनी है इसने। सो चलो चलो, लेट हो रहे हैं हम, ठीक है? तो गाइस निकल गए हैं हम लोग, अब वो मोमेंट और पास आता जा रहा है, ठीक है? अभी हम लोग सो एक्साइटेड, और पीछे हमारी दोनों मोहतरमाएं। कैसी फीलिंग है? बहुत ही अच्छी फीलिंग है इंडियन वेयर यूके में पहनने की। हां हां, एंड आई फील इट रियली नाइस। और कॉन्वोकेशन का क्या है, ग्रेजुएशन का धक धक हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा? एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा था कि जितना पास आ रहा है ना टाइम, उतना मतलब धक धक सी हो रही है, पता नहीं क्यों। एक बहुत बड़ा दिन है मे बी इसलिए। सो लेट्स सी, सन बहुत प्यारा निकला है। इसको मैंने सोते हुए उठा दिया है कि हमें छोड़ के आ। थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट सेइंग थैंक यू। ये देखो इसकी शक्ल देखो, एकदम सो के उठा है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और कोई टैक्सी दिख मिल नहीं रही थी, ठीक है, ऑनलाइन। तो फिर मैंने सोचा फिन को कॉल करता हूँ, तो फिन ने बोला ठीक है मैं छोड़ के आता हूँ। सो लेट्स डू दिस फाइनली। थैंक यू सो मच। वाइफ पहुंच चुके हैं और धक धक हो रही हैं। मिनी बस टाइप की लग रखी है। शेट, हमने शैंपेन भूल गए। नहीं यार, हमने शैंपेन ली थी आज के फंक्शन के लिए और हम भूल गए, फ्रिज में रखी रह गई वो। एनीवे अभी छोड़, अभी कुछ वो नहीं करना, यहाँ से ले लेंगे, कोई नहीं। ओके गाइस, हम लोगों ने पूरा प्लान किया था कि शैंपेन वगैरह लेंगे, बट वो फ्रिज में रह गई यार। एनीवे चलो कोई नहीं, ये इतनी बड़ी चीज नहीं, यहाँ से ले लेंगे।
यहाँ मैं एक साल बाद आ रहा हूँ आज ये फोरम में आई मीन भाई इतना सही लग रहा है ना, मतलब ये फीलिंग लिटरली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हम लोगों को टिकट्स लेने हैं, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे हमें गाउन मिल जाएगा क्योंकि उस टिकट में अपना साइज नाम वगैरह सब होता है। थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा यहाँ पे। एनीवे ये देखो मेरा नाम और ये डिग्री का नाम। तो हमारा ग्रुप चल दिया है, सब हाय कह दो एक बार। इसका है मेरे साथ 10 बजे और ये एज अ गेस्ट आया है, बट ये मेरा क्लासमेट ही था। तो कैसा लग रहा है भाई, फीलिंग कैसी है तेरी? एक्साइटमेंट ना, नर्वस भी है ना थोड़ा, मतलब ऐसे स्टेज पे क्या होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें पता है, आज स्टेज पे इंडियन फ्लैग लेट्स सी अगर कर पाता हूँ, बट क्योंकि यार अभी यहाँ पे ऐसा है जब सामने भीड़ होगी ना बहुत सारी तब कुछ अलग ही फीलिंग होगी, बट लेट्स सी। तो पूरे भीड़ स्टार्ट हो चुकी है आनी, एकदम पूरा फोटो सेशन चल रहा है हर जगह कोने में। तो ये सारे गाउन रखे हैं, वो नाम देख के साइज देख के दे रहा है, ठीक है। I'll tell you, you have a strong Irish accent. You're up for the crack, my friend. That's one of my best friends is in the West Coast of Ireland. Yeah. Yeah. Really, I live in Dublin. You live in Dublin, you're in the city. Yeah, it's a great city, yeah. Right. Yeah. Really nice people. Enjoy it? Yeah. You're up for BWC. Do you like to give us? I haven't tried it. No, you haven't tried it? You've got to try it. And you must try it. You know, it's differently annoying than usual. I speak as an English one, not an Irish one. And then I've tasted it, and I'm in the best place different. They're bragging on it a lot. No, of course. Yeah, yeah. कैसे लग रहे हो आप? मैं अभी देखा नहीं है उसको, मिरर का आया। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया, अब अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, हॉल में। और ये है रास्ता, ग्रेजुएट हो गए हैं। ये फाइनली लाइन लग रखी है वहाँ। So excited. कुछ देखना चाहोगे आप लोग? देखता हूँ कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। विशेस दो अपनी कि कर पाऊंगा। Let's do this, guys. Subscribe to Vibhor channel. तो अभी हम लोग विभोर के लिए वेट कर रहे हैं एंड ही इज जस्ट सिटिंग देयर, आई कैन सी हिम। चमक रहे हैं हमारा दोस्त। और ये है ग्रेजुएशन सेरेमनी, ये है सलूक क्लास का। इट्स फन, बढ़िया माहौल। मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट विभोर कुमार शर्मा। सो फाइनली हो चुका है, ठीक है, सेरेमनी खत्म। और ये देखो यार ये अलग फीलिंग है, सब लोग अलग, मतलब लिटरली जब स्टेज पे गया था ना बहुत एक प्राउड फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। अपना वाले एक डिग्री की है, एक दूसरे देश में आके अपनी डिग्री मास्टर डिग्री की है, बहुत प्राउड फील हो रहा था सही बताऊँ स्टेज पे जाके। एंड ये देखो, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। इससे तो मैं अभी मिला हूँ, क्या ये लेट आ रहा है, तो लेट हो गया था ना। ये सर को देखो कितने पोज दोगे और ये अच्छा ये बताए स्टेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही था, मस्त, मजा आ गया, अच्छा लगा ना, एक प्राउड सा फील हुआ ना, ऐसा फील हुआ, रिलैक्स रिलैक्स हो गया आप सब। नाइस नाइस नाइस।
तो गाइज अब है अवीना का, ठीक है, अब उसके में मेरा बैठने का टाइम है एज अ गेस्ट, फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा करेंगे। कैसा रहा? बहुत अमेजिंग। एक चीज मिस कर दी मैंने। क्या? मेरा स्पाउस अटेंड नहीं कर पाए, वो बट उन्होंने ऑनलाइन लाइव देखा। जिनके पास बेबीज होता है वो वहाँ जाते हैं फैमिली रूम में। तो अब अवीना की बारी है, अवीना जा रही है, उसका 12 बजे, ठीक है। एंड ये गो, हियर वी गो। इसे देखो, साड़ी पहन के पूरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। फोटो निकाल देना प्लीज, मम्मी पापा को भी। चल, हम लोग जब से आए ना इतने फोटोज खींच चुके हैं और आधे ज्यादा हमने घर पे भेज चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्या क्योंकि घर वाले आए नहीं है तो उनको एक एक हर एक पल की इन्फॉर्मेशन देनी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो सब अपने फोटो खिंचाने में लगे पड़े हैं। यार लिटरली बता रहा हूँ, ये मोमेंट ना, मतलब इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ इतना, मतलब बहुत प्यारा मोमेंट है यार ये, बहुत प्यारा। और फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑफिशियली हम लोग आज। हाँ, सॉरी, फोटो प्लीज। ओके, देखो मुझे हटा दे रहे, देखो बैकग्राउंड से। सो भी चलो, अब मैं एज अ गेस्ट जा रहा हूँ और ये जा रही है। Yeah, I'm a guest. Yeah. Guest to the right, graduates. You get as a guest. Yes, yeah, yeah, yeah. Chalo, mil gaya phone. Yeah, we. Oh, guys, क्या बताएं, ये feeling कुछ अलग है। तो एज अ स्टूडेंट तो देख लिया वहाँ पे बैठ के कैसा लगता है, अब एज अ गेस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के कैसा लगता है। तो पूरी सेरेमनी देखेंगे एंड लगभग पूरा हाउस फुल हो चुका है और 12 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी 10 मिनट और है, पूरा हाउस फुल हो चुका है। तो गाइज यहाँ ना मेरे साथ एक स्यापा हो रहा है, मतलब ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखो अब मैंने पहन रखी है ड्रेस पूरी, तो आधे से ज़्यादा लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि तू वहाँ बैठना, यहाँ कहाँ बैठा है, मतलब यहाँ गलत बैठा है तू, बट उनको पता नहीं है कि मैं ऑलरेडी हो चुका है मेरा, तो ये कन्फ्यूजन, मतलब घूर घूर रहे हैं भाई लोग। ओह गॉड। और ये हमारे चांसलर हैं। नाइस गाइस, अभी जस्ट अवीना का ख़त्म हुआ है और हम लिटरली पूरा थक चुके हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, एंड अवीना को देखो उसके हील्स ने परेशान कर रखा है। तो हील्स उतार दे, हाँ उतार दी ना हील्स, ठीक है फिर। तो अब अपना नहीं नहीं, मेरे को खोलना ही है, खोलना ही है वो। थैंक यू सो मच, कोई बात, थैंक यू सो मच। तो गाइज अब थोड़ा बहुत ड्रिंक्स पीते हैं यार, बहुत ही गर्मी हो रही है आज, क्योंकि ये जो वीक था ना यहाँ पे हीट वेव चल रहा था यूके में, एंड हमारा उसी में होना था, क्या बताऊँ। बट एनीवे, जो भी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, आइए कुछ माहौल चारों तरफ का। अभी फिर एक और 3 बजे है, वो खैर उसमें मेरा कुछ नहीं है मतलब, तो हम तो जा रहे हैं। 3 बजे भी है, 5 बजे भी है, आइए देखो। हम पास हो गए, हम नहीं जा रहे, बस हो गया, अब बहुत पढ़ाई नहीं हो रही, अब छोड़ना है। और उन्होंने झंडा यहाँ पे ही नहीं बल्कि सेरेमनी में भी सबके बीच इंडिया का नाम रोशन किया था। बिना डरे बड़ा दिल लेके बंदे ने प्रेजेंट किया था खुद को। और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड से चांद नवाज, थैंक यू सो मच। ये देखो कोई भूत आ गया है यहाँ पे। रुक जा, निकालता हूँ। तो गाइज मेरा ये ना फोटो, ठीक है, इसमें फेस नहीं दिख रहा बट आई वो फ्लैग है ना हाथ में, वो बस वो ही प्राउड है अपना, ठीक है। तो अपना ये मिल गया है, मैंने प्रिंट के लिए दे दिया है, लेट्स सी थोड़ी देर में मिलेगा। यहाँ पे पेमेंट कर दी है और लोग रिलैक्स कर रहे हैं,
सो गाइस ये आ चुका है अपना फोटो, कितना प्यारा फोटो है यार। वो फ्लैग ऑरेंज कलर देखो ना कैसे चमक रहा है, आय हाय 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 हाय। तुम्हारा दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, इसका ये देखो, इसका देखो, इसका आएगा 3 साल बाद, इसका भी, इसके लिए 3 साल रुकना, 2 साल, हाँ 2 साल। 1 2 3 चीयर्स। क्या हुआ? शैंपेन ग्लासेस में कोको कोला, ये स्कैम किया जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस जाने से पहले मैं सोचा एक बार अपनी क्लास देख लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को अपनी क्लास भी दिखा देता हूँ। अभी मैं अपनी क्लास जाता हूँ यार, फिर तो चांस लगने का कोई मतलब नहीं है, कभी मौका लगे कि वहाँ जाऊँ मैं अपनी क्लास में, तो मैं आप सभी को अपनी क्लास दिखा देता हूँ। लेट्स गो। ये अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, 3 फ्लोर आप ये देख सकते हो, पूरी 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है हमारी। सो फाइनली ओवर हो गया है, विभोर शेरावत ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुके हैं, मास्टर डिग्री मिल चुकी है, एंड अब असली स्ट्रगल पार्ट स्टार्ट होगा, राइट? पैसा कमाना। हाय, no actually I want to see my class where I used to just study. Oh, okay. So I just want to vlog that class, yeah, because today is my last day. That's fine. Yeah. That's fine. So मेरी ये है क्लास, यहाँ पे अभी सब कुछ हटा दिया क्योंकि अभी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह चल रहा है, तो अभी कुछ ना कुछ है, देखो जैसे आप लोग देख ही सकते हो सामने। तो ये कुछ क्लास होती थी मेरी, मतलब मॉड्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता था, बट मोस्टली यही क्लास होती थी। सो सब स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब है और सामने कुछ ऐसा, सो ये दिखाना था, एंड अब चलते हैं। बताओ ये कदर कदर की है अपनी हेड की, पंखा बना दिया है भाई, 20 लाख की है, 20 लाख की गर्मी है। वाकई में गर्मी तो बहुत हो रही है, आप पसीना देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग हिस्टोरिक बिल्डिंग, ठीक है? जिसका भी कॉन्वोकेशन होता है ऑक्सफोर्ड में, वो इस बिल्डिंग के आगे आगे फोटो जरूर खिंचाता है। अब वो ये है, अभी अभी आधी दिख रही है, पूरी दिखवाएंगे आपको, ठीक है? मतलब अगर आपका कॉन्वोकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आप यहाँ फोटो ना खिंचाओ तो वो अधूरी मानी जाती है। ये देखो, तो है ये देखो, ये पूरा व्यू। अच्छा है, सो गाइस पूरा दिन हो चुका है आज, ठीक है? और इतना ही आज, आ जाओ कुछ कहना है। तो गाइस बहुत गर्मी होती है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन होगा तो डोंट वेयर सच बिग क्लोथ्स, जस्ट गो फॉर लाइट क्लोथ्स, मेरा यही सजेशन है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए विभोर शराब। नहीं नहीं, अच्छा पहनना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनना, क्योंकि एक ही दिन मिलता है, ठीक है? ये वन टाइम मूवमेंट है, द इंडियन इन यूके, सब्सक्राइब करना, बाय। अच्छा तो इतना ही था इस ब्लॉग में, एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। वेरी प्राउड ऑफ एवरीबडी।